नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज देख रहे आप और आज है 2 अक्टूबर 2020। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पर्यटकों के रोहतांग दर्रा और सोलन नाला आने जाने पर लगी रोक। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से 12 अक्टूबर से होगी डीएलएड की काउंसलिंग प्रक्रिया। एलओसी पर पाकिस्तानी गोलाबारी में 3 जवान शहीद, सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। आतंकी लॉन्च पैड किए तबाह। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस मामले में स्वायत्त लिया संज्ञान, यूपी सरकार के शीर्ष अफसरों को किया तलब। हिमाचल में 6 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 198 नए पॉजिटिव मामले। कोर्ट में रिश्तेदार के रिटायरमेंट कार्यक्रम से लौट रहे परिवार की गाड़ी खाई में गिरी, 2 की मौत, 1 गंभीर घायल। ऊना में गौ सरंग से कौलाव जिहाद मामले में हिंदू संगठनों ने सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली। श्रीनगर से सेब लेकर आ रहे ट्रक से डमटाल में भारी मात्रा में चूरा पोस्ट बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। देहरा की चोली पंचायत में बिस्तर पर सो रही 35 वर्षीय महिला को सांप ने डसा हंसता ले जाते मौत। एचपीए 1 माह तक नहीं खोलेगा क्रिकेट स्टेडियम और अकादमियां, पदाधिकारियों ने बैठक में लिया फैसला। कुल्लू में सामता दल वाल्मीकि समाज ने हाथरस दुष्कर्म मामले के विरोध में किया प्रदर्शन। अब एचपीयू से एचपीयू में प्रवेश के लिए इस साल एंट्रेंस खत्म, अब सीधे मेरिट आधार पर मिलेगी एंट्री, नोटिफिकेशन हुई जारी। प्राइवेट बस ऑपरेटरों की दबंगी, एचआरटीसी बुकिंग काउंटर कर्मी को पीटा। लोक निर्माण विभाग के जेई की कोरोना से आईजीएमसी शिमला में मौत। खबर सोलन से एटीएम कार्ड हैक कर व्यक्ति के खाते से निकाले 56,000 रुपए। फिल्म थलाइवी की शूटिंग को मनाली से हैदराबाद रवाना हुई कंगना रनौत। हाथरस में गैंगरेप हत्या के खिलाफ प्रदेश समता सैनिक दल ने खोला मोर्चा। मंडी के ओठ में बैन, सुंदरनगर में कार खाई में गिरी महिला समेत 3 की मौत। खबर धर्मशाला से शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, आरोपी रिमांड पर भेजा। मैकलोडगंज में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उगला गुस्सा, निकाला विरोध मार्च। भारतवर्ष में होमगार्ड के लिए लागू हुए एक समान नियम, ऑल इंडिया होमगार्ड कल्याण संघ ने उठाई मांग। खबर हमीरपुर से राजेंद्र राणा बोले, राहुल गांधी के काफिले पर लाठीचार्ज करना पड़ेगा महंगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, पीएम मोदी ने आज तक हिमाचल से किए खोखले वायदे। खबर शिमला से सैर के लिए निकले 2 लोगों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, चालक मौके से फरार। एम्बुलेंस रोड की मांग को लेकर कालका शिमला रेल ट्रैक पर बैठे लोग। खबर स्कूलों से जुड़ी हुई, 15 अक्टूबर तक अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही बच्चों को स्कूलों में मिलेगा प्रवेश। कड़े प्रशिक्षण के बाद 215 गोर का जवानों ने ली देश सेवा की शपथ। खबर एचपीयू से पीजी डिग्री कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया 10 अक्टूबर से लेगा एचपीयू शिमला। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेसी रिज मैदान शिमला पर देंगे धरना। पीएम रोहतांग दौरा, जमीन से आसमान तक निगरानी कर रहे 12 ड्रोन और वायुसेना का चौपर। हिमाचल में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 26 रुपए हुआ महंगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, अयोध्या के बाद अटल टनल का लोकार्पण प्रधानमंत्री का तीसरा सबसे बड़ा समारोह। बड़ी खबर, अनलॉक 5.0, बिना मास्क बसों और टैक्सियों में नहीं बैठ सकेंगे, हिमाचल सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से, अनलॉक 5.0, बिना मास्क बसों और टैक्सियों में नहीं बैठ सकेंगे, हिमाचल सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार के बाद गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन सेल ने कोविड-19 के तहत अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी आदेशों के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा, जबकि कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं लोगों की अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर आवाजाही पर रोक नहीं होगी, इसके लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अंतर्राज्यीय बसों का संचालन परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत किया जाएगा। नई गाइडलाइन के तहत बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को प्रदेश के अंदर किसी भी बस और टैक्सी समेत सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन में बैठने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों की ऑनलाइन पढ़ाई में कोरोना से बचाव का पाठ शामिल होगा। शिक्षण संस्थान खोलने से पहले विद्यार्थियों को मानसिक तौर पर मजबूत किया जाएगा।
15 अक्टूबर तक रोजाना विद्यार्थी को अनिवार्य तौर पर सही तरीके से मास्क पहनने और उचित शारीरिक दूरी रखने के संदेश व्हाट्सएप से भेजे जाएंगे। विद्यार्थी को अपने परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी जागरूक करने के तरीकों से अवगत करवाया जाएगा। प्रबंधन की गाइडलाइन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे शादी या मृत्यु के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न होने दें। सभी जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए कि वे भीड़ को लेकर निगरानी रखें। आपदा प्रबंधन सेल ने सभी कार्यालय के प्रमुखों व स्वास्थ्य संस्थानों के मुख्य को निर्देश दिए कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या टोकन व परमिट सिस्टम को बढ़ावा दें। हिमाचल में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम में 100 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसमें सभी प्रदेशों को स्कूल कॉलेजों के माध्यम से सूचना कैंपेन चलाने के निर्देश दिए। कैबिनेट में होगा हिमाचल में शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला। प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे के बाद आगामी सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना है। इस बैठक में केंद्र की गाइडलाइन को लेकर प्रस्ताव रखा जाए। स्कूल कॉलेजों को खोला जाना है या नहीं, इसका अंतिम फैसला इसी बैठक में होगा। 15 अक्टूबर के बाद प्रदेश में 6 माह बाद खुलेंगे सिनेमा घर। प्रदेश में करीब 6 माह से बंद सिनेमा हॉल भी 15 अक्टूबर के बाद खुल सकेंगे। 50% सीटिंग के साथ थिएटर खोलने के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अलग से SOP जारी करेगा। सोलंग में ब्यास नदी पर बनाया अस्थायी पुल टूटा, एक व्यक्ति और 5 घोड़े पानी में गिर। मनाली के साथ लगते सोलंग गांव को छोड़ने वाले अस्थायी पुल के टूट जाने से एक व्यक्ति और 5 घोड़े ब्यास नदी में गिर गए। घोड़ा मालिक भी पानी की चपेट में आ गए, लेकिन वो पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। 5 घोड़े कुछ दूरी तक पानी में बह गए, जिस कारण से भी घायल हो गया। सोलंग के ग्रामीणों ने गांव में जाने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया था। सरकार ने इस गांव के लिए 2014 ब्यास पर पुल बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को अस्थायी पुल नहीं मिल पाया। ये हालत है हिमाचल प्रदेश के विकास की। HPU में प्रवेश के लिए इस साल एंट्रेंस टेस्ट खत्म, मेरिट के आधार पर मिलेगी एंट्री। प्रदेश विश्वविद्यालय में PG कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए पहली बार बिना एंट्रेंस के छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। इस बाबत HPU ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी। अब ग्रेजुएशन के बाद सीधे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वही छात्रों को पात्र परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही दाखिला दिया जाएगा। HPU के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि PG कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए छात्रों को संबंधित विषयों में मेरिट लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि MBA MTA के छात्रों का ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू लेना संभव नहीं है। वहीं MPhil, LLM के छात्रों की भी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा BEd में दाखिला लेने वाले छात्रों का 27 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। HPU कुलपति ने कहा कि UGC ने 1 नवम्बर से कक्षा लगाने को कहा है। ऐसे में एंट्रेंस टेस्ट की तैयारियाँ इतने समय में करवाना संभव नहीं है। बता दें कि HPU ने इससे पहले 10 अक्टूबर से PG कक्षों में दाखिले से पहले एंट्रेंस शुरू करने को लेकर शेड्यूल तैयार किया था, लेकिन छात्रों के विरोध करने के बाद HPU प्रशासन ने एंट्रेंस टेस्ट लेने के फैसले को रद्द कर दिया था। मेरिट आधार पर ही PG कक्षाएं शुरू करने को कहा गया। BC का कहना है कि COVID-19 के चलते एंट्रेंस टेस्ट के फैसले को रद्द किया गया। प्राइवेट बस ऑपरेटरों की दबंगी, HRTC बुकिंग काउंटर कर्मी को पीट डाला। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मियों पर निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी भारी पड़ने लगी है। बिलासपुर बस अड्डे में गुरुवार सुबह करीब 9 बजे इसका उदाहरण देखने को मिला। बिलासपुर बस अड्डे में निजी बस ऑपरेटर ने HRTC बुकिंग काउंटर में तैनात कंडक्टर के साथ मारपीट कर डाली। पुलिस ने मामले को लेकर FIR दर्ज कर ली है। आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। ATM कार्ड हैकर व्यक्ति के खाते से निकाले 56,000 रुपए। पुलिस थाना नालागढ़ के तहत एक व्यक्ति के ATM कार्ड को हैक कर उसके खाते से पैसे निकालने का मामला आया है। धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति ने बताया कि हरियाणा में किसी ने उसके खाते से 56,000 रुपए निकाल लिए, जबकि उसका ATM कार्ड उसके पास था। मॉडल टाउन कॉलोनी किरपालपुर के रमेश चंद ने पुलिस में दी जानकारी में बताया कि 27 अगस्त को किरपालपुर में ATM से पैसे निकालने के लिए गया था, लेकिन ATM से पैसे नहीं निकले। धर्मशाला अस्पताल में हर मंगलवार को होगी बुजुर्गों के लिए स्पेशल OPD। जोनल अस्पताल धर्मशाला में प्रत्येक मंगलवार को बुजुर्गों के लिए स्पेशल OPD चलाई जाएगी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वीरवार को हेल्पेज इंडिया संस्था के धर्मशाला के
श्याम नगर में अंतर्राज्यीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने उक्त बात कही है। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, आरोपी रिमांड पर भेजा। जिला मुख्यालय धर्मशाला के सीमावर्ती क्षेत्र के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप युवती ने लगाया। युवती के आरोपों के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बैंक गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरोपी को 4 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। एम्बुलेंस रोड की मांग को लेकर कालका शिमला रेल ट्रैक पर बैठे लोग नहीं मिलने से गुस्सा है। नगर निगम शिमला के मझियाट बाढ़ के लोग गुरुवार एम्बुलेंस रोड की सुविधा नहीं मिलने से गुस्सा है। नगर निगम शिमला मझियाट वार्ड के लोग गुरुवार सुबह करीब 8 बजे से रेल पटरी पर धरने पर बैठ गए। लोग कालका शिमला रेल ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सोलन से कर्मचारियों को लेकर आने वाली ट्रेन रद्द करनी पड़ी। लोगों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। खबर स्कूलों से, 15 अक्टूबर तक अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही बच्चों को स्कूलों में मिलेगा प्रवेश। हिमाचल के स्कूलों में 15 अक्टूबर तक अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कॉलेज खोलने की फैसला लेने की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मंजूरी दे दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे के बाद प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।